मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज जो हमने वन डे प्रोटेस्ट रखा हुआ है, ये सरकार को एक उसका वादा याद दिलाने के लिए, क्योंकि एलजी साहब ने जो 11 नवंबर को हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी चुनाव के बाद आपका रेगुलाइजेशन प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अगर आने वाले बजट के अंदर जो आए दिन सरकार उसको डिले कर रही है, जिससे कि हमें शक पैदा हो रहा है कि सरकार शायद आज भी हमारे साथ झूठा वादे कर रही है। इसलिए अगर 15 मार्च तक अगर सरकार बजट में हमारे लिए रेगुलाइजेशन का प्रोविजन नहीं रखती है, तो 16 मार्च से हम चैन हंगर स्ट्राइक पे चले जाएंगे। जो भी हालात जम्मू कश्मीर के बनेंगे वो सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि अब हम सरकार को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। ना हमारे पास इतना टाइम बचा है कि हम रोज़ रोज़ सरकार को समय दें। हम एलजी साहब से अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो आपने 11 नवंबर को राजभवन के अंदर हमारे साथ वादा किया था, उस वादे को जल्द से जल्द पूरा करें। शर्मा डेली वेजर डिस्ट्रिक्ट नंबर से, जो हमारे जो सरकार ने जो हमारे साथ हर बार झूठे आश्वासन देकर हमें बेवकूफ़ बनाया है, आने वाले बजट में जो बजट सेशन चल रहा है 15 तारीख तक हमारे डेली वेजर को, जो जम्मू कश्मीर का डेली वेजर है, इसके साथ धोखा किया। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर का डेली वेजर रोडों पर उतर जाएगा और सरकार को मुश्किल हो जाएगी। आम जनता परेशान हो गई, हम पीछे नहीं हटने वाले। हमारे जो नौजवान डेली वेजर वो सुसाइड कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए फीसें नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, उनको जीना मुश्किल हो रहा। हमारे जो हमारी हालात इतनी बदतर हो गई है, हमारे माता पिता डेली वेजरों के अपने जो बच्चों का भविष्य दांव पर लगा चुके हैं। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम गवर्नर साहब को जो चेतावनी देते हैं, अगर हमारे साथ धोखा हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है। भारत सरकार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है, इनके 25 MLA आए, अपना वेतन बढ़ाया, एक दिन में बढ़ा दिया, और डेली वेजर को हर बार धोखा ही धोखा किया। इनके साथ आने वाले महीने में हम जो आम जनता है, हमारी पब्लिक है, इनसे हम माफी चाहते हैं। हमारा जो आंदोलन है, जो अब बहुत उग्र आंदोलन होगा, मैं जो हमारे जो एसोसिएशन है डेली वेजर की एसोसिएशन है, जो वो कश्मीर की है, जम्मू की है, मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। डेली वेजर के साथ धोखा मत हो। जो भी एसोसिएशन है वो भी कॉल देता है, सभी एक मंच पर आए, जो दफ्तर जो चीफ ऑफिस सब डेली वेजरों का है, सभी एक मंच पर इकट्ठे होकर जो स्ट्राइक करें। जय भारत जय। मैं इरशाद हुसैन बेग पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी टीम, जिसमें हमारे रवि हंस जी हैं, हुशियार सिंह जी हैं, हमारे ताज जी हैं और बाकी जो हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं जो बार बार डेली वेजरों के लिए सामने आते हैं। तो हमारी डिमांड जो है, मेन डिमांड इस वक्त जो हमने एलजी साहब से हमारे क्या कहते हैं साथियों ने एग्रीमेंट किया था, वो मेन डिमांड जो है वो रेगुलराइजेशन की है। जैसे CSR इन्होंने बनाई है, जो सर्विस रूल कहते हैं कि 7 साल के बाद एक डेली वेजर जो है उसको पक्का किया जाता है, लेकिन हम हैरान हैं कि ये इनके रूल बनाए हुए इस पर ये खुद अमल पैरा नहीं होते हैं। और बार 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 बात आती है डेली वेजरों की। डेली वेजर जो है इस वक्त परमानेंट से ज़्यादा काम कर रहा है। जहाँ जो ग्राउंड लेवल की बात है, डेली वेजर हमारा जो है वो ग्राउंड लेवल में अगर आप देखते हैं, वो डेली वेजर कहलाने का हकदार नहीं है, बल्कि वो परमानेंट बंदा है। क्योंकि काम करने से जाहिर हो जाता है कि ये क्या कर रहा है इस वक्त। हमारे जो परमानेंट लोग इस वक्त हैं वो ऐसे घरों में बैठे होते हैं। इस वक्त डेली वेजरों के बच्चे दरबदर हैं,
उनके पास इस वक्त फीस के लिए पैसा नहीं है, उनके पास इस वक्त किताबों के लिए पैसा नहीं है, बच्चे दर बदर हो रहे हैं, हम हैरान हैं ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा गोरखधंधा इन्होंने चलाया है। और बाद में फिर ये हमें इल्ज़ाम लगाते हैं, ये जी सड़कों पे आ जाते हैं, ये वायलेंस करते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि हमारा ह्यूमन राइट्स जो हम अब हम क्या कहेंगे कि वो कहीं है भी जिंदा कि नहीं है, ये बोलते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स जो है वो वायलेशन के लिए होता था, अगर किसी जगह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो वो आगे आते हैं। टिल डेट हम ये देख रहे हैं कि हमने किसी अगर यहाँ एक बंदे को भी आप पूछेंगे उनको ये पता नहीं है कि ह्यूमन राइट्स का कौन बंदा यहाँ काम कर रहा है, वो भी कहाँ सोए हुए हैं। और ये जुल्म पे जुल्म हो रहा है। और पहले हमें बोल रहे थे कि 370 जो है ये इसके हटने के बाद यहाँ जितने भी ये जुल्म हो रहे हैं, जितनी भी नाइंसाफ़ी है, इनको यहाँ दुरुस्त किया जाएगा, इंसाफ किया जाएगा। टिल डेट हमने देखा बिल्कुल कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, गरीब बंदा जो है वो बिल्कुल गरीब हो रहा है, अमीर जो है वो आसमान छू रहा है इस वक्त। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेन चीज़ जो इंसान को तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, उन चीज़ों का जो है इस वक्त फुकदान है, ज़ीरो पे आ रहा है हमारा जम्मू कश्मीर। इस वक्त हम रोने पे हैं। हमारा एक बंदा जो मेरा साथी इस वक्त मेरे सामने यहाँ है, इसने आते ही बोला था मेरे एक साथी से कि हम सुसाइड कर रहे हैं, मैं अपने आप को भी जहर दे दूंगा, बच्चों को भी जहर दे दूंगा, बीवी को भी जहर दे दूंगा। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा शेम पॉइंट हमारी गवर्नमेंट के लिए और क्या हो सकता है। लास्ट में मैं ये गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा आंदोलन जो 15 तारीख के बाद हमारा फ्रंट जो है इसकी नीति बना रहा है, उससे पहले इस मसले का हल हो, बड़े एक जामे पॉलिसी के साथ SRO चौहट को मद्देनज़र रखते हुए जैसे डिस्कस हुआ है उस दिन एग्रीमेंट में, क्योंकि हम लोग पिछले 15-20 साल 25 साल से दर बदर हैं। यह कोई मुलाजमत नहीं है, यह कोई नौकरी नहीं है, मैं इसको मानता हूं कि एक दरबदरी है। इन लोगों ने हमारे घरों को वीरान किया है, बर्बाद किया है हमारे बच्चों को। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस हमारे साथी के इस आंसू को मद्देनज़र रखते हुए, ये ज़रा सोचें गवर्नर साहब हमारे, कम से कम SRO चौहट के तहत हमें परमानेंट किया जाए, क्योंकि बाद में जो हमारे 5 साल किसी के 7 साल किसी के 3 साल हैं, तो कम से कम हमारी पेंशन हो, हमारे घर चले। और इसके साथ ही मैं एक बार आप लोगों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।